सो मेरे सामने आप देख रहे हो बजाज की पल्सर 150 विद E20 कम्प्लायंट, और अभी आप इसमें इथेनॉल मिक्स पेट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं। सो वेगा अपनी नीचे स्टॉक यार्ड में खड़ी है तो थोड़ा माइंड मत करना, और ये बिल्कुल ब्लैक कलर में, अपनी ब्लैक एंड रेड कलर में आपको मिल जाएगी। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको ये रेड स्टिकर मिल जाएंगे ब्लैक कलर में। और यहाँ पे चेंजेस की बात करूँ तो यहाँ पे पल्सर का जो ये तो है इसको ब्लैक क्रोम कर दिया है, पहले सिल्वर फिनिश में आता था, एंड बाइक बिल्कुल पहले से बिल्कुल सेम रहने वाली है, कोई ऐसे चेंजेस नहीं करे हैं इसके अंदर बजाज ने। बाकी इसका जो मीटर है, मीटर में बहुत सारे फीचर्स उसमें बजाज ऑफर कर देते हैं आपको, जैसे कि डिस्टेंस टू एम्प्टी और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी। एक बार दिखाता हूँ स्टार्ट करके, ठीक है। तो इसमें एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आ रहा है, यहाँ पे देखोगे तो डिस्टेंस टू एम्प्टी भी आएगा नीचे, और इसमें देखो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, तो ये सारे फीचर आपको इसमें मिल जाएंगे। नीचे पेट्रोल का मिल जाएगा, यहाँ पे RPM मिल रहा है। तो इसका मीटर बिल्कुल सेम कर दिया है 220 वाला, और उसका हैंडल भी देखोगे तो आप बिल्कुल 220 वाला कर दिया है। थोड़ा सा आप फ्रंट की तरफ लीन होकर आपको बैठना पड़ेगा, हल्का सा, बहुत ज़्यादा लीन नहीं करना पड़ेगा। और इसके जो ये स्विचेज हैं, तो ये देख लो, ये जो स्विचेज हैं अपने बैकलाइट स्विचेज हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे हैं। ये देख लो लाइट जल गई, तो ये बैकलाइट स्विचेज आपको मिल जाएंगे इसमें, और मिरर्स वही सेम रहने वाले हैं पहले वाले। एंड ये जो फ्यूल टैंक की बात करें, इसमें नियर अबाउट 14-15 लीटर्स में फ्यूल आ जाता है, और यहाँ पे इसमें E20 की बैजिंग भी दे दी है, और ये चेंज करके इसको सिल्वर से ब्लैक कर दिया है। एंड यहाँ पे ये बिल्कुल न्यू कार्बन एडिशन वाले ग्राफिक्स दे दिए हैं, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कार्बन फाइबर फिनिश दे दिया है, जैसे यहाँ पे फ्रंट मड गार्ड पे, और यहाँ पे भी थोड़ा सा दे दिया है, यहाँ 150 की बैजिंग दे दी है। और इसमें आपको लेडीज़ फुटरेस्ट मिसिंग मिलेगा थोड़ा सा, और स्प्लिट सीट में मिलने वाली है आपको, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ, सेंटर स्टैंड, ये सारे आपको इसमें मिल जाएगा। और इसका जो राइडर के लिए फुट पैक है, थोड़ा पीछे की तरफ कर दिया ताकि थोड़ा स्पोर्टी पोजीशन हो जाए। एंड इसमें ओपन चेन मिलने वाली है, स्विंगा भी 220 वाला मिलेगा, और चेन सेट भी इसमें 220 वाला मिलेगा आपको। और ये चेन कवर है, ये भी इसमें सेमी मतलब हाफ चेन कवर कर दिया है, पहले फुल आता था जो सिंगल डिस्क में, अब इसमें ट्विन डिस्क में अब इसमें हाफ कर दिया है। एक बार उस तरफ ले चलता हूँ, उस तरफ से दिखाता हूँ आपको मैं। सो यहाँ से देखोगे तो ये इसके है फ्रंट टायर, और फ्रंट टायर में 90 सेक्शन का फ्रंट टायर दे दिया, 90x90 100 सेक्शन, ये देख लो यहाँ पे दिया हुआ है। और इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाएगा इधर, और बजाज का मतलब इन हाउस आपको इसमें ब्रेक कैलिपर्स मिल जाएंगे, एंड आपको इसमें नीचे इंजन काउल भी मिल जाएगा जो कि आपके इंजन को डस्ट से प्रोटेक्ट करेगा। और इसका 150cc का इंजन है इसके अंदर, नियर अबाउट 13.5 के आसपास इसमें पावर जनरेट करता है ये इंजन। इसमें किक आपको नहीं मिलेगी ट्विन डिस्क के अंदर, सिंगल डिस्क में आपको किक में मिल जाएगी। और इसका यहाँ पे ये रियर ब्रेक के कैलिपर यहाँ पे दिया हुआ है, और ये एग्जॉस्ट मिल जाएगा फुली ब्लैक। एंड जो रियर टायर है इसमें 120 सेक्शन का टायर दे दिया है रियर में, और रियर में आपको एक आपको इसमें RLC सेंसर मिलेगा जो कि आपको सिर्फ स्पीड को सेंस करता है, इससे ABS का काम नहीं करता। और रियर में आपको ये डिस्क में मिल जाएगी यहाँ पे, और आपको दो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएंगे एंड्योरेंस के। और ये देख सकते हो, बाकी पूरी बाइक नीचे फुली ब्लैक कर दी है, एंड फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएंगे अच्छी खासी थिकनेस के साथ। और इसमें फ्रंट में भी हेलोजन मिलेगी आपको, अभी भी हेलोजन, पायलट लैंप भी हेलोजन मिलेगी, और रियर में जो LED टेल लाइट आपको इसमें मिल जाएगी फ्रॉम द बजाज। तो ये है कुछ अपनी बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क का रिव्यू, एक इथेनॉल मिक्स का, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, तो ये सिंपल सीधा रिव्यू। तो अगर आपको बाइक बाय करनी है तो यू कैन कम टू द अंबा बजाज GV पार्लर बैंगलोर, दिस बाइक इज़ अवेलेबल हियर।